नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आज हम बात करेंगे युद्धपोत इम्फाल के बारे में, जो कि हाल ही में परीक्षण के लिए पहली बार समुद्र में रवाना किया गया है। स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल परीक्षण के लिए पहली बार युद्ध में रवाना कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत तैयार किया गया है। राडार से बचने में सक्षम इस जहाज को मौजूदा वर्ष के अंत तक सेवारत करने की योजना है। यह भारतीय नौसेना के अंतर्गत 15B श्रेणी के तहत तीसरा स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत है। युद्धपोत इम्फाल को कई विशिष्ट तकनीकों तथा उच्च स्वदेशी सामग्री से लैस किया गया है और इसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है। इम्फाल का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड MDL द्वारा किया गया है, जो भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया पहल के राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर जोर देने के स्वाभिमानी का प्रमाण पत्र है। इसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत विध्वंसक युद्धपोत होने का गौरव प्राप्त है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मणिपुर राज्य के बढ़ते महत्व का योगदान को प्रदर्शित करने का एक उपयुक्त प्रतिरूप होगा, इसलिए इसका नामकरण पूर्वोत्तर भारत के शहर इम्फाल के नाम पर किया गया है। इस प्रकार इम्फाल भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि भी करेगा। प्रोजेक्ट 15B की बात करें तो यह भारत के स्वदेशी विध्वंसक निर्माण कार्यक्रम वर्ष 1990 के दशक के अंत में तीन दिल्ली श्रेणी P-15 वर्ग के युद्धपोतों के साथ शुरू हुआ और इसके एक दशक बाद तीन कोलकाता श्रेणी विध्वंसक इसमें शामिल किए गए। लेकिन फिलहाल P-15B विशाखापट्टनम श्रेणी के तहत कुल चार युद्धपोतों की योजना बनाई गई है। ये चार युद्धपोत हैं विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ, इम्फाल और सूरत। ये युद्धपोत अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज, उन्नत स्टील सुविधाओं और उच्च स्तर के स्वचालन के साथ दुनिया के अधिक तकनीकी रूप से विकसित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। ये जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी SAM से लैस हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत पहला जहाज साल 2021 में जबकि दूसरा जहाज 2022 में नौसेना को सौंप दिया गया है और यह इस प्रोजेक्ट के तहत तीसरा जहाज है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।